फुचका में आलू भर देंगे, थोड़ा सा पानी भरेंगे और टेस्ट करेंगे पहले आप लोगों के लिए। यम्मी। जय जगन्नाथ। नमस्कार, दीप्तिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज बनाते हैं सबका मनपसंद, बच्चों से लेकर बड़ों तक, चटपटा पुचका। पुचका या गुपचुप, पानी पूरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज कुछ अलग तरह के मसाले से हम बनाएंगे। पुचका का पैकेट तो बाहर से ले आई हूँ और घर में मसाला और पानी रेडी करते हैं और देखते हैं कौन कितना खाते हैं। तो आज मसाला कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ, हमारे घर में, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। और पानी भी आपको कैसे बनाते हैं पुचका का, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलते हैं, पुचका खाते हैं, बनाते हैं, कौन कितना खाते हैं वो भी देखते हैं। पुचका बनाते हैं, ये है स्मैश किया आलू, इसमें सादा नमक और काला नमक डाल दिया है, ये कटा हुआ प्याज, ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च और ये है चना और मटर को भिगो के उसको बॉईल कर दिया था नमक डाल के। और ये पुचका का पानी, ये इमली और धनिया को पीस के हरी मिर्च, काला नमक, सादा नमक और ऊपर से बूंदी डाल दिया है। और ये जो है जी सूखा हुआ जीरा धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, उसको डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से। और इसमें पानी में थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने डाल दिया था। अब वो पुचका का आलू तैयार करते हैं। आलू में थोड़ा ये जीरा, सूखा हुआ भुना जीरा और धनिया और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा डाल देते हैं। और इसमें डालते हैं मटर और चना, अभी थोड़ा डाल के देखते और सबको मिला के गूंथ देंगे। आज देखते हैं कौन कितना पुचका खाते हैं। पुचका का पैकेट मैंने बाहर से खरीद के ले आया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें और थोड़ा सा मटर और ये काला चना डाल देते हैं। ये हमारा कटक में ऐसे ही बनता है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, मजा आएगा खाने में। इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे ये आलू में, मिक्स कर देंगे। ये हो गया आलू का मसाला रेडी। क्रश करके आलू के मसाले में डाल दीजिए। पानी सर्व कर देते हैं। आपको तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल दीजिए।
होप कि आज की पुचका का या गोलगप्पे का मसाला आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जरूर बनाइए, घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, मज़ा आता है खाने में। और मेरा चैनल कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।